ये तो आप लोग को बताएंगे कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। मतलब बहुत लोग होते हैं कि कुछ जानते नहीं हैं या जानते भी हैं फिर भी गलत करते हैं, समझे? तो मतलब कोई भी चीज़ तैयारी करने का तरीका होता है कि कैसे करें जो मतलब वो मिल जाए हमको, ठीक है? तैयारी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? बस बहुत गलती करते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। देखिए, बिहार पुलिस ऐसा है, मतलब इसमें फिजिकल भी होता है, रिटेन भी होता है, मेडिकल भी होता है, समझे? ये सब होते हैं। और मान के चलिए आप लोग, मतलब आपको तैयारी करना है बिहार पुलिस का, ठीक है? आप मतलब इसका सिलेबस नहीं जान पाते हैं कि इसमें क्या पूछता है, इसका इसमें क्या योग्यता है, जानते नहीं हैं और कुछ कर मतलब कुछ भी करने लगते हैं, तैयारी अलग टाइप की करने लगते हैं। आपको बनना है बिहार पुलिस, सब BPSC टाइप का, दरोगा टाइप का तैयारी करने लगते हैं। सबका सिलेबस जान लीजिए, उसमें क्या पूछा जाता है, इसमें क्या है, क्या करना है, तब कोई भी चीज़ का तैयारी करिए। बहुत लोग होते हैं कि मतलब दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस पे लग गए, तो उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करने लगते हैं। GD का तैयारी कर रहा है, फिर बिहार पुलिस आया तो बिहार पुलिस पे लग जाते हैं। मन में एक बार सोच लीजिए कि हमको कौन सा जॉब करना है। करने का तो तैयारी करते हैं तो कोई भी जॉब ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें समय लग जाता है। कोई भी चीज़, एक चीज़ को लेकर चलिएगा ना तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। अगर वही चीज़ सब को लेकर चलते हैं ना कि जो वैकेंसी आया उसमें फॉर्म भर दिए, उस चीज़ का तैयारी करने लगे, ये वैकेंसी आया उस चीज़ का फॉर्म भर दिए, GD आया कभी तो GD भर दिए, बिहार पुलिस आया तो बिहार पुलिस भर दिए, दरोगा आया तो दरोगा। फोकस एक ही रखिए, भरते रहिए, वो दिक्कत नहीं है, भरिए सब फॉर्म, मगर फोकस रखिए एक ही चीज़ को लेकर चलना है। उसमें होगा कि आपको ज़्यादा ये होगा कि एक चीज़ को तैयारी लेकर करिएगा ना तो जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए कि आप GD का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? GD का सिलेबस में क्या पूछा जाता है? मैथ, GK GS, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है? बिहार पुलिस का सिलेबस, मतलब इसमें बिहार पुलिस में ज़्यादा GK GS पूछा जाता है, 70 नंबर 80 नंबर के आसपास GK GS पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है। तो इसमें बिहार पुलिस के लिए हमको पढ़ना क्या होगा? तो ज़्यादा GK GS पढ़ना होगा। अगर GD का तैयारी करना है तो GD के लिए हमको क्या पढ़ना होगा? तो मैथ और रीजनिंग पढ़ना होगा। ये चीज़ आपको जानना होगा कि हमको क्या चीज़ करना है। अब मान लीजिए आप GD का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब बिहार पुलिस में चल गया, वही चीज़ मैथ या रीजनिंग को धके आप पढ़ रहे हैं तो हो पाएगा कभी भी? तो वही मतलब कहने का मतलब जानिए कि हमको करना क्या है, ठीक है? तब इसमें होता है कि आप जल्दी सक्सेस हो जाइए, उस चीज़ को जल्दी पा लीजिएगा, ठीक है, है ना? अगर GD का तैयारी कर रहे हैं तो खाली GK GS पढ़िएगा तो GK GS से GD निकलेगा? नहीं निकलेगा। वही चीज़ है, बिहार पुलिस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें GK GS पढ़िए, है ना? वो चीज़ करना है, ये नहीं कि मतलब हम सब चीज़ पढ़ें और हो जाए सब चीज़, उसमें होगा लेकिन लेट होगा। इसीलिए कोई भी चीज़ एक को रखिए, एम एक ही को चीज़ रखिए, एक ही चीज़ पर तैयारी कीजिए, ठीक है? रिटेन की बात तो हो गया कि हमको करना है क्या, ठीक है? मान लीजिए आपको बिहार पुलिस का तैयारी करना है, करना क्या? बिहार पुलिस का तैयारी, उसके लिए तो रिटेन का बात बता दिए, वो क्या कीजिएगा वो आपके ऊपर है, ठीक है? रिटेन का बात बता दिए। इसमें होता है क्या है, इसमें जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पे बनता है, रिटेन सिर्फ क्वालिफाई मतलब पास करने के लिए, अगले पड़ाव के लिए होता है कि आप रिटेन पास कीजिएगा तभी आप फिजिकल करिएगा, है ना? रिटेन जब तक पास नहीं कीजिएगा तब फिर फिजिकल के लिए कैसे मतलब अगले पड़ाव पे जाइएगा? वही मतलब रिटेन सिर्फ अगले चीज़ मतलब फिजिकल के लिए है, और जो मेरिट बनता है बिहार पुलिस का वो फिजिकल के नंबर बेस पे बनता है। तो आपको करना क्या होगा, तो वही आपको ज़्यादा फोकस करना है आपको फिजिकल पे। पहले वाला बात नहीं है कि आप बिहार पुलिस में थोड़ा सा नंबर उठा के आप जॉब कर पाइएगा, भले आप दरोगा बन जाइए, ठीक है, दरोगा बन सकते हैं, BPSC निकाल सकते हैं, मगर बिहार पुलिस ऐसा चीज़ है कि आप बिहार पुलिस आप फिजिकल पे ध्यान देना होगा। तो करना क्या है, तो आपको सबसे पहले सुबह उठना है, आपको रूटीन से कोई भी चीज़ रूटीन से कीजिए ना तो अच्छा होता है। सुबह उठना है, अब तो गर्मी आ गया, आराम से 3 बजे भी उठिएगा तो अच्छा है, 4 बजे भी उठिएगा तो अच्छा है। 3 या 4 बजे उठिए और डेली कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग कीजिए। 5 किलोमीटर अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, रनिंग करना है स्टार्ट कैसे करें, ठीक है? तो रनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट कीजिए तो 5 किलोमीटर कम से कम डेली 5 किलोमीटर दौड़िए, ठीक है? 5 किलोमीटर कैसे दौड़ना है, PT दौड़ना है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा तो एक बार तो कोई नहीं आगे जाता है, उसके लिए धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, 5 किलोमीटर रनिंग कीजिए डेली, 5 किलोमीटर डेली करना है, ये नहीं कि हमसे नहीं। इसमें रनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा रनिंग में नंबर मिलता है 50 नंबर, 100 नंबर का फिजिकल होता है जिसमें 50 नंबर मिलता है दौड़ के लिए। तो 50 नंबर के दौड़ के लिए आपको बनाना होगा 50 नंबर या 40 नंबर का दौड़। अगर जॉब लेना है बिहार पुलिस में तो 40 नंबर तो कन्फर्म लाना ही हुआ दौड़ में, और 40 नंबर दौड़ लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। पहले होता था कि आप अगर पास हो गए तो पहले मेरिट बन जाता था, कम पे मेरिट जाता था, मगर अब है कि बहुत ज़्यादा हाई जाता है। आप देखे होंगे मदनी शेर फायरमैन
बिहार पुलिस इससे पहले वाला सब में मतलब हाई गया है, बढ़ते जा रहा है, कम नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है। तो आपको दौड़ कैसा बनाना है, 40 नंबर का दौड़। वो बनेगा कैसे, तो रेगुलर दौड़ कीजिएगा। दौड़ ऐसा चीज़ है कि अगर 2 महीना कर लिए, 3 महीना कर लिया, फिर 10-20 दिन छोड़ दिए, फिर वहीं पे आ जाइएगा, फिर बढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए रेगुलर एक भी दिन नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए रनिंग नहीं छोड़ना है। 40 नंबर का दौड़ बनाना है तो रनिंग नहीं छोड़ना है, डेली कंटिन्यू रहना है, ठीक है। 40 नंबर दौड़ बनने के लिए आपको समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 1 साल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 40 नंबर दौड़ ऐसे नहीं बनता है, 1 साल वो भी के लिए आपको करना क्या है, वहाँ में मतलब बाजू में ताकत लाने के लिए आपको डिप्स खूब मारना है, बहुत ज़्यादा डिप्स मारने से इसमें ताकत मिलता है, हैंड में ताकत मिलता है, तभी आपसे गोला, जब तक पावर नहीं हुआ शरीर में तो कैसे बिगाड़ा। तो गोला चीज़ है कि ताकत का है, कोई भी चीज़ होता है मतलब लगातार कोई भी चीज़ करने से ना होता है, चाहे आपके पास कितना भी ताकत हो, अगर वो चीज़ फर्स्ट बार कीजिएगा ना, गोला फर्स्ट बार बिगड़ नहीं बिगाड़ा, तो वही चीज़ उसको बार बार कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और बाजू में ताकत लाना है आपको, बिगना कितना है, 20 फुट पार भी गया, मेरिट कोई नहीं रखा था, इसलिए आप कोशिश कीजिए बाजू में ताकत लाने के लिए, बिम मारिए, डिप्स वो मारिए, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें हाई जंप, हाई जंप होता है, हाई जंप इसमें सबसे हार्ड मानिए दौड़ के बाद तो हाई जंप होता है, हाई जंप में बहुत लोग छड़ जाते हैं, तो हाई जंप का तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस में टाइगर जंप लेता है, ठीक है, सीजर भी लेता है, सीजर में आप मतलब डिस्टर्ब होइएगा, दौड़ कीजिएगा, सीजर मारिएगा तो पैर मतलब फ्रैक्चर होने का ज़्यादा उसमें ये होता है, तो इसलिए आप टाइगर जंप सीखिए, इसमें टाइगर लेता है, बिहार पुलिस में टाइगर जंप सीखिए, ऐसे होता है, मारना होता है, जंप करना होता है, वो कीजिए, हो जाएगा। तो देख लिए कि आपको तैयारी कैसे करना है, फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि हमको 80 नंबर उठाना है। कैसे 80 नंबर उठेगा, 40 नंबर दौड़ में, 40 नंबर दौड़ हो गया, 25 नंबर हो गया गोला, 40 और 25 कितना हो गया, 65 नंबर हो गया। अगर उधर मान के चलिए चार चार भी करते हैं ना, आपका मान लीजिए कि हाई जंप लो है, पूरा लो है, चार चार भी कीजिएगा तो आपको 17 नंबर मिलता है ना, तो 65 और 17 हो गया 82 नंबर हो गया, है ना, 82 नंबर हो जाएगा, तो आपका अच्छा से मेरिट बन सकता है। इसलिए आप ज़्यादा दौड़ पे फोकस कीजिए, ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। गोला है कि लगभग सब आदमी 20 प्लस बिग ही देता है, अभी सब है जो मतलब फिजिकल अच्छा रखता है, तो आराम से आप 20 प्लस बिक सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दौड़ पे फोकस कीजिए तो आपका मेरिट कोई नहीं रोकेगा, इसलिए आप ज़्यादा दौड़ पे फोकस कीजिए, 40 नंबर का दौड़ बनाइए, 40 नंबर इधर हो गया, गोला हो गया और हाई जंप हो गया, आराम से मेरिट बन सकता है। अगर हाई जंप में भी कमज़ोर है, चार चार मार ही पाते हैं, तब पर भी आपका मेरिट बन जाएगा, तो इसलिए आपका 80 नंबर, कम से कम 80 नंबर का तैयारी रहना चाहिए, तभी आपको बिहार पुलिस में जॉब मिलेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में और भी चीज़ बताएंगे,